एस्ट्रो वास्तु, वास्तु में बहुत सारी विधाएं चलती हैं, जिसमें से सबसे पुरानी जो विधा हमारे यहाँ ट्रेडिशनली चलती है वो है वैदिक वास्तु। बहुत सारे सूत्र तो वैदिक से ही चलते हैं और वो ही आपको काम कर जाते हैं, लेकिन एक सिस्टम रहा है हमारे यहाँ विद्याओं को छुपा के रखने का, या बहुत कम लोगों तक वो पहुंचे, ऐसा एक हमारे यहाँ एक सिस्टम फॉलो किया गया सदियों से, आज से। और उसके पीछे एक ही बात कही जाती है हमेशा कि ज्ञान जो है वो हमेशा जो डिजर्विंग होता है, जो काबिल होता है, उसी को दिया जाना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने अपना ज्ञान यहाँ तक कि अपनी संतानों तक को नहीं दिया। बहुत सारी सिद्धियां ऐसी थी जो उन्होंने नहीं दी और वो उनके साथ ही चली गई। आज वास्तु बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन एक समय में वास्तु भी एक ऐसी ही विधा थी, इसी तरीके से ये भी चलती थी और ये ज्यादा लोगों को दी नहीं जाती थी। किसको देते थे? जो अच्छा पैसा देगा उसको दी जाती थी। तो सबसे अच्छा पैसा किसके पास होता था? राजाओं के पास होता था, या बड़े बड़े लोग जो उस जमाने के होते होंगे, राजा समान जैसे लोग होते हैं। तो ये जितनी सारी चीजें हैं ये उनके लिए दी जाती थी, उनको दी जाती थी। और जिनको इन विद्याओं का ज्ञान था, जो तो ब्राह्मण होते थे, जिनको इन विद्याओं का ज्ञान होता था, वो या तो अपने घर का वास्तु करते थे या राजमहलों का वास्तु करते थे, लेकिन किसी भी हाल में वो इसको नीचे कहीं आम आदमी तक नहीं पहुंचे, इसकी एक अश्योरेंस कहीं ना कहीं क्रिएट करके रखते थे कि मतलब ये नहीं होना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदली और ये हम जैसे आम लोगों तक भी पहुंच गई। लेकिन ये यात्रा जो है इसमें बहुत कुछ बदल गया। जैसे राजा के लिए जो वास्तु किया जाएगा वो ब्राह्मण अपने घर का नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण अपने घर का करेगा वो व्यापारी के घर के लिए माफिक नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि राजा का प्रोफाइल अलग है, ब्राह्मण का प्रोफाइल अलग है, व्यापारी का प्रोफाइल अलग है, और एक सेवक वर्ग होता है उसका प्रोफाइल अलग है। ये चार अलग अलग तरह की कैटेगरीज है ना, जिसको पुराने जमाने में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कह के बताया जाता था। जो वास्तु राजा को सूट करता है वो क्षत्रिय को सूट करने वाला जो वास्तु है वो ब्राह्मण को सूट नहीं करेगा। इसलिए राजा का वास्तु अलग होता था, क्षत्रिय का वास्तु अलग होता था, है ना, और व्यापारी का अलग होता था। पंडित जी अपना अपने हिसाब से करते थे और आम आदमी तक इसको पहुंचने देते नहीं थे। लेकिन कुछ समझदार लोग हमेशा से रहे हैं इस समाज में, वो क्या करते हैं आजकल, एक बड़ी पॉपुलर सी एक चीज है, क्या? कॉपी पेस्ट, है ना? आप लोग करते हो ना कॉपी पेस्ट कंप्यूटर पे, मैसेजिंग में। तो कुछ लोगों ने ब्राह्मणों के घर का वास्तु देख के कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, पंडित जी ने नॉर्थ में अपने घर का दरवाजा रखा है, नॉर्थ की एंट्री बड़ी शुभ होती है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई नॉर्थ का दरवाजा बहुत शुभ होता है या ईस्ट का दरवाजा बहुत शुभ होता है। तो ये नॉर्थ का, नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री, ये सबसे अच्छी माने जाने लगी। आप कभी भी पुराने किले देखो, किले महल नहीं, किले की बात कर रहा हूं, वो किले कभी भी आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि किले के लिए राजा के रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी दिशाएं भी अलग। तो किले कभी भी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग नहीं बनाए गए, लेकिन
जो कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं, ये कॉपी पेस्ट जो है ना ज्ञान के मामले में बड़ा खतरनाक होता है। तो ये कॉपी पेस्ट वाले लोगों ने कॉपी पेस्ट कर करके नीचे के सारे समाज में ये फैला दिया कि नॉर्थ ईस्ट, पंडित जी का अपना घर था तो नॉर्थ ईस्ट ही अच्छा होता है, जो उन्होंने अपने लिए किया हमारे लिए भी वही अच्छा होगा। लेकिन सच में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सच में तो कहानी कुछ और है, असल कहानी कुछ और है। तो एक पूरी विधा में से एक हिस्सा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ वो ये कॉपी पेस्ट वाला ही था। जिनके पास असली ज्ञान था उन्होंने कभी किसी को बांटा नहीं, दिया नहीं, और कॉपी पेस्ट वालों ने कॉपी पेस्ट को पॉपुलर कर करके जैसे आजकल वीडियो वायरल होते हैं ना, ऐसे उन्होंने वास्तु का एक सेक्शन जो है ये वायरल कर दिया। सदियों से होता आ रहा है, क्या नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है, साउथ वेस्ट सबसे घटिया है, साउथ वेस्ट की एंट्री सबसे अशुभ एंट्री है, ये सारी बातें कॉपी पेस्ट का वर्जन है। फैक्ट जो है वो बिल्कुल इससे अलग है, ठीक है। आज तक हम लोग यही समझते आए हैं कि मंदिर में जो पंडित जी बैठते हैं उनको वास्तु आता है, और वास्तु लोग करवाते नहीं है, वास्तु विजिट करवाते। विजिट का क्या मतलब हुआ, मेरे घर आओ देखो, अच्छा ये नॉर्थ है यहाँ पे ये कर दो, ये ईस्ट है यहाँ पे ये कर दो, साउथ है ये कर दो, वेस्ट है ये कर दो, करके निकल गए, हो गए वास्तु। एक जमाने में इतने से काम चल जाता था, तब घर सीधे साधे बनते थे, फ्लैटों की तरह टेढ़े मेढ़े नहीं बनते थे, और जिंदगी भी इतनी आसान जितनी पहले थी उतनी अब रही नहीं। तो आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट चेंजेस आपको करने पड़े, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होता कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में नए नए मोबाइल, नए नए टीवी, नए नए मॉडल आते, ज्योतिष में भी वास्तु में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुई है। जैसे आज से 40 साल पहले किसी पंडित जी के पास कोई जाए तो वो पंडित जी कभी नहीं कहते थे कि तुम्हारा बच्चा आईटी में होगा, क्योंकि आईटी 40 साल पहले थी नहीं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी 40 साल पहले नहीं थी, लेकिन अब है। तो अब एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, आपका बेटा या बच्चा आपका आईटी में बहुत अच्छा कर सकता है। तो आईटी में तब क्यों नहीं बताते थे और अब क्यों बताते? तो कुछ लोगों ने इस पे कुछ रिसर्च करी होगी कि आईटी कौन से प्लैनेट से आता है पत्री में, और उसके हिसाब से हम उसके प्रोफेशन को बताते हैं कि भाई आपका बेटा जो है या आपका बच्चा जो है वो इस फील्ड में जा सकता है। 40 साल पहले ये नहीं था, तो इम्प्रूवमेंट हुई ना। ऐसे ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वास्तु में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन कुछ जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने वाले या समझने वाले लोग हैं, और कुछ लोग हमेशा एक बात को बोलते हैं, जो पुराना होता है वही अच्छा होता है। एक हमारे यहाँ ये बड़ी अच्छी सोच है कि पुराना है तो वही ठीक है। ये इस सोच का जो हमारे दिमाग पे असर है वो ये है कि जो वास्तु भी वो वाला जो है ना वही वाला बिल्कुल आज से 150 साल पहले जो होता था, 500 साल पहले होता था वही ठीक, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। समय के साथ साथ हमारी जिंदगी के रिक्वायरमेंट्स बदली, हमारी जरूरतें बदली, तो उस हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता। नतीजा ये हुआ कि वो जो ईस्ट अच्छा नॉर्थ अच्छा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे सिमट के 30% 40% लोगों पे, 20% लोगों पे लगता है, 70% लोगों पे नहीं लगता।